हरे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में बात करूंगी कि पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाने के क्या अद्भुत लाभ हैं। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा क्यों लगाएं और किस प्रकार परिक्रमा लगाने से हमारे जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम बात कर रहे हैं पीपल के वृक्ष की परिक्रमा के अद्भुत लाभ की। एक परिक्रमा पीपल के वृक्ष की 7 लगानी चाहिए, 3 लगानी चाहिए, 108 लगानी चाहिए, क्यों लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, इसका क्या शुभ फल मिलेगा। स्कंद पुराण में वर्णित पीपल वृक्ष में दैवीय शक्तियों का वास है। ये तो हम सब जानते हैं कि सभी देवी देवताओं का वास है और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से अनेकों संकट दूर होते हैं, हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में जिस प्रकार पवित्र नदियाँ होती हैं, नदियों की परिक्रमा लगाना बताया गया है। मंदिर में हम जाते हैं तो मंदिर में परिक्रमा लगाते हैं। इसी प्रकार दिव्य वृक्षों की परिक्रमा के अनेकों अद्भुत लाभ हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन पीपल के वृक्ष की एक और विशेषता भी है कि एक ऐसा दैवीय वृक्ष है जो 24 के 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और अगर हम इसकी परिक्रमा लगाते हैं, और मैं एक दूसरा रीज़न बताऊं, साइंटिफिक रीज़न बताऊं, तो उससे वात पित्त और कफ की समस्या भी दूर होती है। अगर हम पीपल के वृक्ष के समक्ष रविवार को छोड़कर बाकी किसी भी दिन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 10 मिनट के लिए जाकर बैठते हैं, तो हमारी शारीरिक व्याधियां भी दूर होती हैं और साथ साथ हमारे भाग्य भी उज्जवल होता है। अगर आप प्रतिदिन रविवार को छोड़कर प्रतिदिन आप प्रातःकाल पीपल पर जल अर्पित करते हैं और उसके बाद 3 परिक्रमा लगाते हैं, तो आपको दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है, दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 परिक्रमा प्रतिदिन लगाने से और प्रातःकाल जल चढ़ाकर तो आपके जीवन की इन समस्याओं का अंत होता है। उसके अलावा कहा जाता है कि पीपल के वृक्ष के दर्शन मात्र से, यानी कि आप मंदिर जाते हैं, भगवान, बहुत लोग शिव मंदिर जरूर जाते हैं, मंदिर के प्रांगण में ये सब वृक्ष लगे हुए होते हैं, पीपल के वृक्ष के दर्शन मात्र से आपको देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो कभी भी आप कहीं भी जाएं तो पीपल के वृक्ष के दर्शन अवश्य करें। आपको रास्ते मिलता है, कहीं भी मिलता है, तो भी हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य करें। यदि स्त्रियां पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करती हैं और जल चढ़ाती हैं, तो उन्हें अखंड सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शनिवार या अमावस्या पर अगर प्रातःकाल 7 परिक्रमा जल चढ़ाएं, 7 परिक्रमा करें, जल में थोड़े से काले तिल डालकर आप अगर चढ़ाते हैं और सरसों के दीप तेल का दीपक लगाते हैं और 7 परिक्रमा करते हैं अमावस्या पर या शनिवार के दिन, तो आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है और आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस 7 परिक्रमा लगाने के बाद, जल चढ़ाने के बाद, दीपक जलाने के बाद कुछ समय वहां पर व्यतीत अवश्य करिए, चाहे 5 ही मिनट आप क्यों ना बैठे। कोई भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, जो भी मंत्र आपको याद हो वो मंत्र अनगिनत बार आप पढ़िए, तो आप ये देखेंगे कि जब आपने पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करी, जल अर्पित करा, दीप अर्पित करा और मंत्र अर्पित करे, तो उससे आपके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ। अब 108 परिक्रमा की बात आती है, तो मैं 108 परिक्रमा का आपको प्रभाव बताती हूँ, फायदा बताती हूँ, अद्भुत लाभ बताती हूँ, चमत्कार बताती हूँ। वर्ष में एक बार अगर संभव हो तो हर अमावस्या पर, नहीं संभव हो तो वर्ष में एक बार, यानी कि अब जैसे वर्ष में, वर्ष की अंतिम अमावस्या है उस पर, या कि मोक्षदा एकादशी आ रही है उसके ऊपर, या पूर्णिमा पर, जब भी आपके पास समय हो रविवार को छोड़कर 108 परिक्रमा आप लगाइए पीपल के वृक्ष की। उससे क्या होगा, पूरे वर्ष भर आप पीपल के वृक्ष के समीप गए या नहीं गए, आपने दीपक जलाया नहीं जलाया, आपने जल चढ़ाया नहीं चढ़ाया, लेकिन 108 परिक्रमा कर लेने से पूरे वर्ष भर की पूजा का फल आपको प्राप्त हो गया। इतनी महिमा है परिक्रमा की। तो पीपल के वृक्ष पर
जिस भी दिन जितनी परिक्रमा बताई जाती है उस हिसाब से आप परिक्रमा लगाइए और अपनी जो भी परेशानी है उनका हल वहां से खोज कर ले आइए। ईश्वर खुद बखुद आपको उन समस्याओं का समाधान देंगे। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, जय बजरंगबली, राधे राधे, कुछ भी लिखे लेकिन लिखे जरूर। ईश्वर आपकी मदद करें।